ओके जी, भैया मेरी शुरुआत हो चुकी है शरीफ रागी के लिए नाश्ता। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ रागी पॉलिश। तो मैंने ये ऑर्गेनिक तत्व का रागी का आटा लिया है। मैं 2 चम्मच रागी का आटा ऐड करूंगी। 1.5 गिलास ही पानी में बिना गैस जलाए पहले आपको सब कुछ ये इंतजाम कर लेना है। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने एक मिक्स कर दिया बिना लम्स के। अब मैं गैस ऑन करके उसको चढ़ा दूंगी, बीच बीच में इसको चलाते रहूंगी जब तक इसकी पॉलिश की कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती प्रॉपरली। दूसरे हाथ पे चलिए एक दही जमा लेते हैं। तो मैंने दूध गर्म किया था, अच्छे से ठंडा हो गया ठीक ठाक। तो हल्का से वार्म में 4 कोने में जो दही दही डाल के वो जमा रही हूँ ना, ये मैंने एक्चुअली सागर्स किचन से देखा, तो बहुत अच्छी रेसिपीज बताते हैं वो। तो यहाँ पे एक और मिक्स दे दिया, देखिए आप शिमरी हो गया है थोड़ा सा और कंसिस्टेंसी ठीक हो गई है। यहाँ पे मैं एक केला जो है वो मैश कर ले रही हूँ साथ में मिक्स करने के लिए। केला इसके साथ मिक्स कर लूंगी, एडिशनल स्वीटनर नहीं डालती हूँ तो अच्छा खासा स्वीट हो जाता है। यहाँ पे मैंने अपने लिए नाश्ता तैयार कर लिया है, 2 ब्रेड है बटे और थोड़ी सी चाय को और पका लेते हैं और ढाबे की तरह चाय पीते हैं। चलिए तो ये बन गया है इनका रागी पॉरिज, कुल्लू का फेवरेट ब्रेकफास्ट, बहुत मन से खाते हैं ये और हेल्दी तो होता ही है, तो आप भी दे सकते हो, बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट होता है बच्चों के लिए। ये मजे से खा रहे हैं और इनको खिलाते खिलाते बहुत सारी परफॉर्मेंस भी देनी होती है, इनको बहुत एंटरटेन करना होता है तब जाके ये खाते हैं, बट इनका फेवरेट है, खा लेते हैं आराम से। और यहाँ पे आ गया है आंधी पानी, दोपहर के टाइम से बहुत ज्यादा आंधी आई है। एक्चुअली भंडारा नीचे आप देख सकते हो, टेंट पकड़े बेचारे भैया खड़े हैं, आज उन्होंने भंडारे के साथ टेंट को सजाया था बट अनफॉर्चुनेटली आंधी बांधी आ गई है। और कुल्लू का लंच है पालक की खिचड़ी आज। ओके तो हाय एवरीवन, दिस इज पिंक एंड वेलकम बैक टू मैसिमम ऑफिशियल सेट अनदर व्लॉग आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एंड यस, सारा काम खत्म हो चुका है। काम तो नहीं कहूंगी कि मैं खत्म हो चुका है, क्योंकि आफ्टर बीइंग अ मॉम मेरा काम कभी जिंदगी में खत्म नहीं होता। और बहुत जोर से आवाज आ रही होगी आपको एक्स्ट्रा गाने की, भगवान जी के गाने की, मतलब डिवोशनल सॉन्ग्स की, क्योंकि आज है सैटरडे और लखनऊ में होता है बजरंग बली का भंडारा सैटरडे और ट्यूजडे को, तो बाहर चल रहा है उसी की आवाज़ आ रही। मैंने हालांकि सारे कमरे में बंद करके मैं यहाँ पे बैठी हूँ, बट स्टिल थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, डिस्टर्बेंस होगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड मेरे पीछे मैडम है, क्यान को मैं सुला के आई हूँ, क्योंकि क्यान जब सो जाते हैं तभी काम हो पाता है, वरना वो कैमरा वैमरा उठा के भी फेंकते। बहुत टाइम हो गया था और मैं बहुत मिस कर रही थी ब्लॉगिंग वगैरह, तो मैंने कहा क्यों नहीं फिर से शुरू करते हैं। ओके तो अभी क्यान अगले महीने 1 साल का हो जाएगा, तो मैंने कहा क्यों नहीं तब तक आप थोड़ी बहुत अपनी पैम्परिंग शुरू कर लीजिए। अभी तक तो मैं नहाने वाले साबुन से मुंह धो ली थी और मतलब ये कंडीशन थी मेरी कि कुछ भी जो भी मिल जाए वैसे बस नहा के। नहाना क्या होता था, 2 मिनट के अंदर एक चैलेंज होता था कि नहा के आपको निकलना है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं यू गाइस नो। तो वो सारी चीज़ें अभी थोड़ी सी कम हो रही हैं क्योंकि क्यान भी बड़ा हो रहा है। एंड यस, तो सुबह से आप लोगों ने देखा ही आज का जो दिनचर्या। मैं सोच रही हूँ कि वीकली एक व्लॉग डालूँ, जो भी कुछ वीकली होता है। आज तो अभी फिलहाल मैं सैटरडे का ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ। बेसिकली मेरा जितना भी मेकअप था सारा का सारा मेकअप एक्सपायर हो चुका था। आई वॉज आउट ऑफ मेकअप फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स। एंड मेरे पास सिर्फ एक लिप बाम है जो कि मैं ज़ूडियो से लाई थी, तो मुझे कहीं जाना होता तो मैं बस वही लिप बाम लगा लेती हूँ और कोई मैं इस टाइम फेस पे कुछ नहीं, सिर्फ एक मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही थी। तो फाइनली मैंने फिर से थोड़ा बहुत मेकअप मंगाया है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है बट फिर भी स्टार्टिंग के लिए, बिगनिंग के लिए मैंने कुछ मेकअप मंगाया है जो गो मतलब थोड़ा सा निकलो थोड़ा प्रेजेंटेबल लग सको आप। तो ये बॉक्स आ गया है नायका का, ये मैं अनबॉक्स कर लेती हूँ आपके सामने। खुल जा भैया, खुल जा भैया। लाइट आ गई, बहुत लाइट जा रही है आजकल, मतलब एक सुबह से आंधी पानी आया था, मैं आपने देखा ही होगा। हाँ तो एक भी मतलब पत्ता भी हिल जाता है ना, तो ये पावर वालों मतलब इलेक्ट्रिसिटी वालों को मिल जाता है लाइसेंस कि भैया आप तो बत्ती काटो, कोई पूछने वाला है नहीं। तो बहुत भैया बत्ती काट रहे हैं सवेरे से, बहुत पावर कट हो रहा है सवेरे से, किंतु का कर सकते हैं। खुल जा सिमसिम। ओके तो मैंने बहुत बेदर्दी से उस डब्बे को भी खोल दिया है, एज यू गाइस कैन सी। और ये तार जो आपको दिख रहा है ये माइक का है, आई होप कि आवाज़ सही आ रही होगी, मेरे माइक की तो लग चुकी है, बिल्कुल भी आवाज़ अभी क्लियर नहीं आती है। साइड के 2 नेल पेंट मंगाए हैं क्योंकि जितने भी पुराने नेल पेंट थे वो एक तो ख़राब हो चुके थे, दूसरा आरू उसको यूज़ करती थी, मैं कर रही थी भैया यूज़ करने दो कम से कम, शांत तो घर में शांति तो, ये लोग किसी चीज़ में बिजी तो हैं। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई थी, मैंने इन साइड के 2 नेल पेंट मंगाए। रिव्यू मैं अभी नहीं दे पाऊँगी, ये सारे प्रोडक्ट्स मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी ये वाले, तो काफ़ी सस्ते और मतलब रीजनेबल मंगाए मैंने, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत महंगा मंगाया है, काफ़ी रीजनेबल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा पैसे मैंने अभी नहीं खर्चे हैं इन सब चीज़ों। मैंने 2 नेल पेंट मंगाए हैं इन साइट के, ये वाले रिव्यू मैं देती हूँ आपको क्या है कैसा है। ये 2 नेल पेंट मंगाए हैं
लूमी क्रीम बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं लैक्मे का मंगाऊंगी। मैं जब से लैक्मे लॉन्च हुई तब से सोच रही थी मैं मंगाऊंगी, बट नहीं हो पा रहा था, पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई थी। देन आई थॉट कि फिर ममा अर्थ का भी आ गया, तो मैंने उसमें ममा अर्थ का मंगाते हैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर कम लूमी क्रीम, तो डेली ग्लो लूमी क्रीम विटामिन सी एक ये मंगाई है मैंने चीज़। ओके एंड सब कुछ सस्ता है। मार्स का ये ब्राउ पैलेट है, इन्होंने भेजा है जी, इसको खोल के देखते हैं ये कैसा है, क्योंकि एक बार नायका से मैंने पूरा पैलेट मंगाया था, अगर आप लोगों ने देखा हो वाला वीडियो, बहुत पुराना वीडियो है, आई शेडो मंगाया था पूरा पैलेट, एंड वो पूरा ब्रोकन टूटा हुआ आया था, एंड तब से मैं बहुत डर गई हूँ। मैं चेक कर लेती हूँ सामान, क्योंकि ख़राब हो तो वो रिटर्न हो जाता है, क्योंकि मेरी आईब्रोज बहुत ज़्यादा हल्की हैं, मैं कुछ करूँ ना करूँ मैं आईब्रोज ज़रूर सेट करती हूँ, बहुत ज़्यादा हल्की हैं आप देख रहे हो, और मैंने पता नहीं कितने महीनों से बनवाई भी नहीं है तब भी इतनी हल्की हैं, तो आईब्रोज ज़रूर थोड़ी सी ग्रूम करती हूँ मैं कहीं जाने से पहले। तो ये एक मार्स का आईब्रो किट है, ये मंगवाया है मैंने, दिस इज़ द मस्ट प्रोडक्ट फॉर मी, एंड मंगाया है इस बार मैंने ये इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट, ये आपने कई बारी देखा होगा, कई सारे बहुत पुराना है, मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी, मैं चाहती थी ऐसा कुछ जिसमें कलर करेक्टर भी हो और कंसीलर भी हो, तो मैंने ये वाला मंगवाया है। एंड नेक्स्ट मैंने मंगाया है बहुत सस्ता मस्कारा ब्लू हेवन का, आई गेस 100 रुपीज़ के अंदर है शायद, तो एक ये वाला मस्कारा मंगवाया है, क्योंकि मुझे फाउंडेशन की इतनी नीड लगती नहीं बेसिकली, तो मैंने फाउंडेशन नहीं मंगवाया है। एंड यस हाँ, एक लिपस्टिक मंगवाई इनसाइड की, लिपस्टिक्स की मैंने बहुत तारीफ सुन रही हूँ इस टाइम पे, बहुत गर्मी हो रही है, ओके तो इनसाइड की लिपस्टिक्स की मैं बहुत तारीफ सुन रही हूँ इस टाइम पे, मैंने एक ये इनसाइड की लिपस्टिक मंगवाई है, लेट्स सी कि कैसे निकलती है। विच शेड इज दिस, शेड का नाम है टॉप नॉच, फर्स्ट टाइम यूज करूंगी, देखूंगा कैसा है, तो इन सब के रिव्यू आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके तो एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे अब से शार्प दिन में 11 बजे वीडियो जरूर आएगा, तो जरूर देखिएगा। मैं सोचिए ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल, लव योरसेल्फ, बाय बाय, लाओ रखें सब।